लेकिन ममता चाइना 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 हर एक बात में बोले होवेना क्या होवेना मई महीने के बाद सब कुछ होवे 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 इस बात को हमको समझना आयुष्मान भारत होवे ना अरे आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का हेल्थ का कवरेज सालाना गरीब आदमी को कौन है गरीब आदमी रिक्शा वाला ठेला वाला फेरी वाला रेड़ी वाला ये गरीब आदमी इनके बारे में चिंता करने की बात थी। इस चिंता को जब देखने की बारी आई प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा देने का प्रयास किया। यहां भी 80 लाख और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह लाभ मिलता लेकिन ममता जी ने नहीं है ये आयुष्मान भारत नहीं दिया। मैं जानना चाहूंगा परिवर्तन यात्रा में हमारे एक एक नेता बंगाल की जनता को बताएं उनके स्वास्थ्य की चिंता मोदी जी ने की थी ममता बीच में अड़ंगा बनकर के खड़ी रही अब ममता जाएगी आड़ंगा खत्म होगा रास्ते का रोड़ा खत्म होगा और मोदी जी का आयुष्मान भारत सीधे सीधे बंगाल की जनता को मिलेगा ये बात मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आज तक लगभग 70 लाख किसानों को ये पैसा मिल जाता कितना मिलता एक एक किसान को 14,000 रुपए मिलता एक साल का 6,000 दो साल का 12,000 और इस साल 2021 की पहली किस्त 14,000 मिलना था 70 लाख किसानों को। ममता जी चाइना होवे ना यहां चाहिए नहीं यहां होगा नहीं अब ममता जी जाएंगी और सीधे सीधे 70 लाख किसानों को उनका ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उनको मिलेगी और उनके विकास में हम योगदान करेंगे इस बात को हमको समझना चाहिए। यह है परिवर्तन जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। यह कैसी सरकार है टोलाबाजी की सरकार तानाशाही की सरकार हमारे लगभग 130 लोग मारे गए हैं 300 से ज्यादा लोगों पर अटैक हुआ है यह कैसी सरकार है इस सरकार को जाना होगा। और तो और छोड़िए जब ये हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि साधारण आदमी की बंगाल में क्या हालत होगी। आज ममता जी मुख्यमंत्री हैं और वो महिला हैं और सबसे ज्यादा महिलाओं की ट्रैफिकिंग बंगाल में हो रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसके एनसीआरबी का रिकॉर्ड नहीं दे रही है। अगर रेप केसेस देखें बलात्कार के केसेस देखें तो सबसे ज्यादा बंगाल में अगर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखें तो सबसे ज्यादा बंगाल में बंगाल की मुख्यमंत्री महिला हो और महिलाओं की इज्जत ना हो अगर ऐसी परिस्थिति बनी हुई है तो हमें परिवर्तन चाहिए परिवर्तन चाहिए परिवर्तन चाहिए और यही परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अम्फान में पहले 1000 करोड़ रुपए और बाद में 1700 करोड़ रुपए 2700 करोड़ रुपए दिए एटा हिसाब हो ना जानी ना ये किसके पॉकेट में गया एटा कॉट मनी ये किसके पॉकेट में गया। और आप देखिए हाई कोर्ट ने क्या कहा कि सीएजी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल से इसकी ऑडिटिंग कराओ मोदी जी का पैसा मोदी जी ने दिया बंगाल की जनता के लिए अम्फान के रिलीफ के लिए खा गए अनाज खा गए त्रिपाल चोरी कर ली सब कुछ कर लिया कट मनी ले लिया हिसाब किताब नहीं दिया। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया तो ममता जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ यानी प्रदेश का नेता
ईमानदारी लाने के बजाय बेईमानी को परश्रय दे रहा है। मत ममता जी ऐतो भय कहनो, इतना भय क्यों लग रहा है? क्या गलती की है, क्या चोरी की है, क्या खाया है?